प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो एडवर्बियल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये एडवर्बियल्स लर्न करनी है। और ये एडवर्बियल्स अगर आपको किसी सेंटेंस में मिलती हैं तो आप सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस मान करके फिल करोगे। तो देखिए कौन कौन सी हैं, टुडे, टुनाइट, नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, स्टिल, दीज डेज। सबसे इम्पोर्टेंट ये है इसमें, ये बहुत पूछता है एग्जामिनर, कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं, टुडे, टुनाइट, नाउ, नाउ ए डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, स्टिल, दीज डेज, एट प्रेजेंट। ये सारी जो हैं सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्बियल्स हैं। अगर आपको ये किसी सेंटेंस में मिलती हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या भरोगे, ब्लैंक में खाली जगह में इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स गो आउट, इट नॉट रेन नाउ, अब इसमें एडवर्बियल मिली आपको नाउ, नाउ, तो नाउ से आपको फाइंड आउट हुआ कि कौन सा टेंस भरना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी भरिए, इट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज नेगेटिव है तो क्या लगाइए, नॉट, और रेन में आई एन जी लगाइए तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। तो आंसर हो गया आपका, इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एट प्रेजेंट माई मदर कुक इन द किचन, तो एट प्रेजेंट इसकी एडवर्बियल हो गई, देखिए बॉक्स कर दिया मैंने, बंद कर दिया बॉक्स में। तो एट प्रेजेंट से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, तो फिल कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो माई मदर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, और कुक में आई एन जी लगेगा तो क्या हो जाएगा, कुकिंग। तो क्या हो गया आंसर, एट प्रेजेंट माई मदर इज कुकिंग इन द किचन। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज, तो बताइए इसमें एडवर्बियल क्या है, फाइंड आउट कीजिए क्या है, दीज डेज। तो दीज डेज एडवर्बियल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो फिल कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई के अकॉर्डिंग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एम, और रीड में आई एन जी तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, तो एम रीडिंग हो गया। माय सिस्टर प्ले द पियानो एट दिस मोमेंट, तो इसकी एडवर्बियल इसमें क्या है, एट दिस मोमेंट एडवर्बियल है इसमें, क्या है एडवर्बियल, एट दिस मोमेंट। अब एट दिस मोमेंट एडवर्बियल है तो फिल कीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माय सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, और प्ले में आई एन जी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही यूजुअली, देखिए ये एडवर्बियल है इसमें, स्पीक हिंदी बट टुडे, ये भी एडवर्बियल है इसमें, ही स्पीक इंग्लिश। अब आप देख रहे हो कि दो एडवर्बियल्स है, तो ये वाली एडवर्बियल सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ध्यान रखना सिंपल प्रेजेंट जो आपने पढ़ा, तो ही के अकॉर्डिंग स्पीक में लग जाएगा एस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इसमें, एस या एस लगता है, ही स्पीक्स, तो ही यूजुअली स्पीक्स हिंदी, वह सामान्यतया हिंदी बोलता है, बट लेकिन टुडे आज, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भर दीजिए, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। एक एडवर्बियल के अलावा इसका एक और रूल है, सेकंड रूल, इस रूल को समझिए। अगर एक सेंटेंस इम्पेरेटिव हो, एक सेंटेंस कैसा हो, इम्पेरेटिव, और उसी के साथ में अटैच हुआ, जुड़ा हुआ दूसरा सेंटेंस हो, तो वो दूसरा वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाता है। ध्यान से सुने एक बार, अगर एक सेंटेंस इम्पेरेटिव का हो, एक सेंटेंस किसका हो, इम्पेरेटिव का, तो दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। कहने का मतलब आप ब्लैंक में क्या फिल करोगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आई एन जी। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो देख लो। इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, प्लीज या काइंडली से शुरू होते हैं,
या फिर लेट से शुरू होते हैं। शुरुआत इनकी देख लो किस तरह से होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज़ या काइंडली से, लेट से। ये सेंटेंस इनकी पहचान बताई गई है, ये सेंटेंस इम्पेरेटिव होंगे और फिर इसके बाद जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। देखिए एग्जांपल, डोंट मेक ए नॉइज़। अब ये वाला जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव है। कैसे पता चला आपको? डोंट से पता चला, शोर मत करो। ये आदेशात्मक या आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, ये आदेश देते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, ऐसे सेंटेंस होते हैं ये। तो डोंट मेक ए नॉइज़, शोर मत करो, तो डोंट से पता चला आपको कि ये इम्पेरेटिव है। अब ये दूसरा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो द बेबी क्या होता है? इज, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दो आप, क्या हो जाएगा? स्लीपिंग। आवाज़ मत करो, बेबी सो रहा है। ये देखिए, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो भी इम्पेरेटिव होता है। तो गो एंड सी, जाओ और देखो। वॉट दे, अब ये दूसरा सेंटेंस है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भर दो, दे के अकॉर्डिंग क्या जाएगा? आर डूइंग। ठीक, इस तरह से देखिए तीसरा, लुक। ये केवल इतना सा ही सेंटेंस है, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। देखो, देखना नहीं होगा इसका मीनिंग, देखो। ये सेंटेंस इंपेरेटिव हो गया, इतना सा ही, इतना सा ही इंपेरेटिव है, क्योंकि लुक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यहां साइन लग गया एक्सक्लेमेशन साइन। अब यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहां से। अब ये वाला सेंटेंस, द मैन आफ्टर द थीफ, देखो आदमी चोर के पीछे भाग रहा है, तो ये कंटिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो द मैन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज, और रन में लग जाएगा आईएनजी, रनिंग। तो ये जो एडवर्बियल्स बताई हैं आपको और जो ये रूल बताया है एक, ये दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको दोनों ही चीज़ें याद करनी है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको एग्जाम में करेक्ट फॉर्म, इनको करेक्ट फॉर्म बोलते हैं, करेक्ट फॉर्म आपको सही तरीके से फिल करनी है, तो आपको दोनों ही लर्न होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कुछ स्पेशलिटी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।